हेलो एवरीवन, रितु इजी रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं वेज मंचूरियन बना रही हूँ। यह डिश अधिकतर लोग पसंद करते हैं, इसलिए मैं भी इस ड्राई वेज मंचूरियन की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेज मंचूरियन की रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कटोरी पत्ता गोभी लिया है। इसको मैंने बारीक काट लिया है, आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। मैंने पत्ता गोभी को थोड़ा बारीक काटा है और थोड़ा पत्ता गोभी को मैंने कद्दूकस भी किया है। अब मैं इसे दूसरे बाउल में डालूंगी। अब मैं इसमें 2 चम्मच बारीक कटी हुई हरी प्याज डालूंगी। एक चम्मच मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। थोड़ा इसमें नमक डालूंगी, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आधा चम्मच में इसमें काली मिर्च पाउडर डालूंगी। थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी। और अब मैं इसमें 3 चम्मच मैदा डालूंगी। और 3 चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डालूंगी। और आधा चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। और अब हम इस सबको मिक्स करेंगे। अब हम इसे एक डो की तरह तैयार करेंगे। अगर ये थोड़ा गीला लगेगा तो हम इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर दोनों बाद में हम डाल सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। मैं इसमें थोड़ा मैदा और थोड़ा कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, मेरा डो थोड़ा गीला है इसलिए। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसकी बॉल बनाएंगे छोटी छोटी। हमारी वेज मंचूरियन की बॉल बनकर तैयार है। अब हम इन्हें मीडियम गैस पर फ्राई करेंगे। मंचूरियन की बॉल फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। ऑयल को हम इतना गर्म करेंगे कि उसमें से अच्छे से धुआं आ जाए। अब हम गैस को मीडियम कर लेंगे। मीडियम गैस पर हम मंचूरियन बॉल को फ्राई करेंगे जिससे कि अच्छे से फ्राई हो जाए अंदर तक। हमारी मंचूरियन की जो बॉल हैं, देखो फ्राई हो गई हैं। इन बॉल को फ्राई करने के लिए पहले हम ऑयल को बहुत अच्छे से ज़्यादा गर्म कर लेंगे, उसके बाद हम गैस को मीडियम कर देंगे और उसके बाद ही हम इन बॉल्स को फ्राई करेंगे। मीडियम गैस पर फ्राई करने से मंचूरियन बॉल अंदर तक अच्छे से पक जाती हैं और बाहर से क्रिस्पी हो जाती हैं। अगर हम इन्हें तेज़ गैस पर इन बॉलों को फ्राई करेंगे तो बॉल अंदर से कच्ची रह जाएंगी, तो
तो वेज मंचूरियन अच्छा नहीं बनेगा, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब हम इन बॉल्स को निकालेंगे। बॉल्स को फ्राई होने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। हमारी वेज मंचूरियन की बॉल बनकर तैयार है। अब हम इनको साइड में रखेंगे और अब हम इनके लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हम इतना गर्म करेंगे कि उसमें से धुआं आ जाए। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ डालूंगी। 1 छोटी चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ डालूंगी। आधा छोटी चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालूंगी। और मैंने यहाँ रेड, ग्रीन और येलो कलर की शिमला मिर्च ली है, इन्हें भी मैं इसमें डालूंगी। स्लाइस में कटी हुई थोड़ी प्याज है मेरे पास, इसे भी मैं इसमें डालूंगी। और इनको 1-2 सेकंड तक हम इसे फ्राई करेंगे। थोड़ी मैं इसमें ये स्प्रिंग ऑनियन डालूंगी, हरी प्याज, इनको मिक्स करेंगे। इनको हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इनमें क्रंच रहना चाहिए तभी ये अच्छी लगती हैं खाने में। अब मैं इसमें 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालूंगी। थोड़ा सा नमक डालूंगी। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच सोया सॉस डालूंगी। दो चम्मच टोमेटो सॉस डालूंगी। और 2 चम्मच ही हम रेड चिली सॉस डालेंगे। मैं यहाँ पे ड्राई वेज मंचूरियन बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें 1 कटोरी पानी डाला है। अगर आप इसमें ग्रेवी वाली बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 2 कटोरी पानी डाल सकते हैं। मैंने ग्रेवी के लिए 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है यहाँ पर, और इसमें मैं पानी डालूंगी और इसे मिक्स करेंगे और एक घोल तैयार करेंगे। कॉर्नफ्लावर का घोल बना लिया है। अब हम इसे कढ़ाई में डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें मंचूरियन की बॉल डालूंगी। मैं यहाँ ड्राई मंचूरियन बना रही हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला है। बॉल्स को ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगे।
ऊपर से हम ग्रीन स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे। हमारी वेज ड्राई मंचूरियन बनकर तैयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे। गर्मा गर्म ड्राई वेज मंचूरियन बनकर तैयार है। हमारी बहुत अच्छी ड्राई वेज मंचूरियन बनकर तैयार हुई है। जब इतनी अच्छी ड्राई वेज मंचूरियन घर पर ही बनेगी तो आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। आप इस ड्राई वेज मंचूरियन की रेसिपी को घर पे ही बार बार बनाएंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू।